हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के दूसरे पार्ट में हैं हम लोग। और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे इवन रिएक्शंस की। इवन रिएक्शंस जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शंस का एक मैकेनिज्म के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है वो है इवन मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, उसको आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जा करके उस वीडियो को जरूर देखिए। आप सबसे पहले शुरू करने से पहले कि इवन रिएक्शन को बताने से पहले हम लोग एक बार याद कर लें इवन एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, उसके बाद फिर हम लोग इवन रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो एडिशन रिएक्शन की रिवर्स होती हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी इसको डिस्कस किया है। यहाँ पर दो या चार एटम्स जो कि एडजेसेंट कार्बन के ऊपर सब्सट्रेट में लगे हों वहाँ से एलिमिनेट हों, और उस एलिमिनेशन की वजह से अगर दो एटम का एलिमिनेशन होगा तो डबल बॉन्ड आएगा, चार एटम का एलिमिनेशन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा, उसी को हम क्या कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन की हमने एक एग्जांपल भी ली थी पिछले वीडियो को, आप देखिएगा बहुत ही एक्सप्लेन किया था हमने बहुत ही डिटेल में, लेकिन फिर भी देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक रिकैप चल रहा है, जैसे कि ये एल्किल हैलाइड है। अब इस एल्किल हैलाइड में हमने क्या किया, हाइड्रोजन और जो हमारा हैलाइड ग्रुप है दोनों को एडजेसेंट कार्बन मतलब अगल बगल के कार्बन, उसमें से एक में से हाइड्रोजन निकाला, एक में से क्या निकाला आपका हैलाइड ग्रुप निकाला, और इस दोनों के निकालने की वजह से कार्बन कार्बन के बीच में क्या गया, डबल बॉन्ड प्रोडक्ट आपका बन गया। यही तो कहा ना, दो एटम निकला तो ये आया, अगर यहां से हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड आया और एल्कीन बन गया। दैट इज द रिएक्शन विच इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हमने कहा इसकी दो मैकेनिज्म है, एक है E1, एक है E2। तो E2 हमने पहले डिस्कस किया हुआ है पिछले वीडियो में, अब हम बात करेंगे E1 रिएक्शंस की। तो जो E1 रिएक्शंस हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एलिमिनेशन आपको कराना है, एक कमरे में से 60 लोग बैठे हैं, 70 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं, दो लोगों को निकालना है, तो दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि दोनों लोगों को एक साथ निकाल दो, जैसा कि हमने कहा ना ये दोनों एटम है तो इन दोनों एटम को आप एक साथ निकाल दीजिए, ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है एक साथ, तो हम कहेंगे क्या हो रहा है, किसी को हम कहेंगे E2 रिएक्शन, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा तरीका क्या है, एक बार में एक को निकालो, दूसरी बार में दूसरे को, पहले इनको निकालो फिर इनको निकालो, या पहले इनको निकालो फिर इनको निकालो, दैट इज E1 रिएक्शन, एक बार में एक को निकालना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो E1 स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। E फॉर एलिमिनेशन, यूनिमोलिकुलर मतलब एक, यूनिमोलिकुलर एक बार में एक निकल रहा है इसीलिए वन, E1 स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द, जो E1 रिएक्शन होती है उनकी रेट जो है रिएक्शन की वो डिपेंड करता है केवल और केवल कंसंट्रेट ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर, जबकि E2 में क्या कर रहा था, सबस्ट्रेट और जो हमारा रिएक्टेंट है या जो हमारा क्या कहते हैं न्यूक्लियोफाइल है, उन दोनों के ऊपर कंसंट्रेशन के ऊपर करा था, लेकिन यहां पर सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के बारे में बात करेंगे और उसके ऊपर डिपेंड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन। ये अगर ऐसा होगा तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन वो होती है जो कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर ही डिपेंड हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जैसा कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो इस वजह से अगर ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और इसका जो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये इसकी जो E1 रिएक्शंस हैं इसकी मैकेनिज्म जो है वो दो स्टेप में पूरी होगी। आइए अब देखते हैं एक एग्जांपल और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, E1 रिएक्शंस जो है वो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि टर्शरी जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं उनमें ही पाई जाती है जनरली। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं टर्शरी हैलाइड का, एल्किल हैलाइड का, जैसे कि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसी को हम IUPAC नेम में बोलेंगे, 1-bromo-1-1-dimethylethane। जब ये अंडरगो होता है E1 एलिमिनेशन, जिसको हम इस एलिमिनेशन को कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ क्या नाम है, 1-bromo-1-1-dimethylethane। हाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब कि हाइड्रोजन का निकलना और हैलोजन ग्रुप का निकलना, उसी को हम क्या कहेंगे, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो आइए अभी ये भी रिएक्शन होगी एल्कोहलिक KOH या NOH के प्रेजेंस में, यानी आपको एल्कोहल लेना और KOH लेना है या NOH लेना है। तो ये है स्ट्रक्चर 1-bromo-1-1-dimethylethane का, जहां पर आप देख रहे हैं कि ये कार्बन के ऊपर जो है ये टर्शरी जो है वो एल्किल हैलाइड है। क्यों, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर एक ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ और तीन क्या लगे हैं, मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। जो तीन मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं उसको हमने CH2H के फॉर्म में लिखा। अब आप क्या करना क्या है, इस H को निकालना है और इस Br को निकालना है। ये ब्रोमीन निकलेगी और ये H निकलेगा, और इन दोनों के निकलने की वजह से जो H और CH2 के बीच में या कार्बन और Br के बीच में जो बॉन्ड था, उसकी वजह से इन दोनों कार्बन के बीच में क्या जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इस डबल बॉन्ड के आने की वजह से आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो बाई प्रोडक्ट बनेंगे, पानी बनेगा और KBr बनेगा। अब ये रिएक्शन कैसे होती है, आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं।
तो जैसा कि इन द बिगनिंग जो हमने C2H5OH ले रखा है और जो KOH ले रखा है वो हमको C2H5O- और K+ के रूप में वो अपने आप को कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है। तो C2H5OH जो है वो KOH के साथ रिएक्ट करेगा, पानी दे देगा और पोटेशियम इथॉक्साइड आयन बनाएगा। वो पोटेशियम इथॉक्साइड आयन फिर से टूटेगा और C2H5O- यानी दैट इज इथॉक्साइड और पोटेशियम आयन अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, सेम एज E2 रिएक्शंस। नाउ जो आपका जो है इसके बाद जो है इथॉक्साइड आयन जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो ये दो स्टेप में होती है क्योंकि ये E1 रिएक्शन है, यूनिमोलिकुलर है, तो दो स्टेप में होगी। तो इसमें जो पहला स्टेप है उसमें क्या होगा कि जो आपका जो टर्शरी एल्किल हैलाइड है, ठीक है, इसमें से जो है आयनाइजेशन होगा, इसका आयनाइजेशन होगा और ये जो बॉन्ड था क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब आप देखिए जो टर्शरी एल्किल हैलाइड है उसमें हो क्या रहा है, उसमें ये होता है कि आप सभी के जो ये आपके ग्रुप लगे हुए हैं, ये CH3 ग्रुप लगा, इधर CH3, इधर CH3, CH3 आर द प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं, ठीक है। ये प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हों उसको अपने से क्या करते हैं, दूर भेजते हैं, किसकी तरफ, कार्बन की तरफ, जिसकी वजह से इस कार्बन पे स्लाइट निगेटिव चार्ज आ रहा है। जबकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो क्या करेगा, जब ये बॉन्ड, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्ड कहाँ हो सकता है, ये इस पे टूट सकता है। तो जब इसको आप लोग इसको तोड़ेंगे तो ये जो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं जो इसके ऊपर चार्ज आएगा इस बॉन्ड के टूटने की वजह से, वो इसको क्या कर देंगे, स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। इसीलिए आयनाइजेशन होगा और आयनाइजेशन होने के बाद हमको क्या मिलेगा, कार्बोनियम आयन। तो इस बॉन्ड को क्या कर देना है, तोड़ देना है। इस बॉन्ड को आप तोड़ेंगे तो ये Br- बाहर निकल जाएगा, ठीक है, Br- बाहर निकल गया। और इस Br- के बाहर निकलने पर अगर ये बॉन्ड टूटता है तो इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज, और आपको क्या मिलेगा, कार्बोनियम आयन। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब ये कार्बोनियम आयन बनेगा, अभी आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ डॉट 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 बनाया है, ये वाला कार्बन जो है वो सतह से ऊपर है, ठीक है, प्लेन के ऊपर की तरफ लगा हुआ है। ये वाला कार्बन जो डॉट डॉट वाला है सतह के कहाँ लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ है, और ये वाला इस Br के साथ है, एक साथ है, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग प्लेन में थे, 3D स्ट्रक्चर बना रहे थे, लेकिन जब ये कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट होगा तो ये सब के सब अरेंज हो जाएंगे वन प्लेन में, ठीक है। तो वन प्लेन में अरेंज कर देते हैं इसको, वन प्लेन में अरेंज कर दीजिए तो ये हो जाएगा CH3, ठीक है, एक प्लेन में आ गया ये CH3 और CH3, ठीक है। और इसके ऊपर क्या आ गया, चार्ज, क्योंकि ये Br- टूटा और ये क्या बन गया, कार्बोनियम आयन। अब ये जो कार्बोनियम आयन है, आप सभी को पता है ये जो कार्बोनियम आयन है, इस कार्बोनियम आयन के जो CH2 के ऊपर ये जो H लगा हुआ है, एक मतलब एक CH3 जो है उसके ऊपर हमारा कौन अटैक करेगा, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, दैट न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन। इसको क्या करेगा, अपने साथ लेकर के चला जाएगा। जब ये इसको अपने साथ लेगा तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड था वो ट्रांसफर होगा कहाँ पे, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, और आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, सी डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH3 था और यहाँ पे भी क्या था, CH3। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ E1 रिएक्शंस। यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, आयनाइजेशन होता है, कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोनियम आयन के बनने के बाद जो हमारा बेस है वो अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर, उसको अपने साथ लेकर के चला जाएगा, और जो है आपका जो CH2H है उस वो उसके बीच का जो बॉन्ड था, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे, वो ट्रांसफर होंगे कार्बन और कार्बन के बीच में, जिसकी वजह से आ जाएगा वहां पे डबल बॉन्ड और क्या बन गया, ये प्रोपीन, ठीक है, आपका प्रोडक्ट बन गया और C2H5OH। तो मैंने जैसे पिछले भी E2 रिएक्शन को पढ़ते हुए भी हमने कहा कि जो C2H5OH है वो एज ए सॉल्वेंट और कैटलिस्ट काम करता है, तो मैकेनिज्म के बीच में ये बिल्कुल जाएगा। ये जो Br- निकला है और यहाँ पर जो K+ बना हुआ था, ये दोनों एक साथ चले जाएंगे और KBr बना लेंगे और आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो एक चीज़ जो लास्ट बात है उसमें E1 रिएक्शंस में वो ये है कि जो टर्शरी एल्किल हैलाइड्स होते हैं ना, टर्शरी एल्किल हैलाइड्स, वो E1 रिएक्शंस देते हैं। क्यों, ऐसा माना जा सकता है, कहा जा सकता है कि जो टर्शरी कार्बोनियम आयन होता है वो मोर स्टेबल है। क्यों मोर स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर जो ये CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, ये अपने से दूर भेजते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो ये जो प्लस चार्ज है उसको थोड़ा सा क्या कर देंगे, स्टेबलाइज कर देंगे। जबकि उससे कम कहाँ होगा, सेकेंडरी में, और सबसे कम कहाँ होगा, प्राइमरी में। तो अगर आपको E1 रिएक्शंस करानी है तो टर्शरी एल्किल हैलाइड्स के साथ आप E1 रिएक्शंस जो है वो आसानी से करा सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये इस प्रकार से स्टेबलाइज होगा तब आपका जो बेस है अब इस पे अटैक ना करके इस हाइड्रोजन, इस कार्बन पे, अब कोई भी कह सकता है कि सर ये तो बेस है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ये इस पे अटैक करना चाहिए, लेकिन ये इस पे अटैक नहीं करके कहाँ अटैक करेगा,
इस हाइड्रोजन के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये तो स्टेबलाइज हो रहा है, इन लोगों की वजह से ये प्लस चार्ज इस कमजोर पड़ रहा है, और अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ भेजेगा तो कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा, और हमारा जो बेस है वो तुरंत इस हाइड्रोजन को लेकर के अपने साथ चला जाएगा। कुछ थ्योरीज और भी हैं कि ये बेस जो है वो यहाँ पर इसलिए अटैक नहीं कर पाता क्योंकि ये जो सी एस थ्रीज हैं वो थोड़ा जगह घेरती हैं, लेकिन वो अलग बात है। यहाँ से हमारा बेस इस हाइड्रोजन को लेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। बट इन द केस ऑफ दिस, अब यहाँ पर स्टेबलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कम होगी, तो हमारा ये जो बेस है वो अटैक कर जाएगा इस कार्बन पे, या आप देख रहे हो जैसे कि प्राइमरी वाले केस में, तो प्राइमरी वाले केस में भी इस पे अटैक कर सकता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, अगर आप इस बेस को लेकर के चलाएंगे और ये बेस अगर इस प्राइमरी कार्बन पे आया, प्राइमरी कार्बोनेमाइन के ऊपर अगर अटैक किया सेकंड स्टेप में, तो ये इस हाइड्रोजन के पास न जा करके कहाँ जा सकता है, इस कार्बन के पास, और इसकी वजह से जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, यहाँ पर जुड़ेगा CH2 CH3, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसके साथ इस रिएक्शन को नहीं करेंगे, ठीक है। हम इस रिएक्शन को किसके साथ करेंगे, सिंपल टर्शरी एल्किल हैलाइड के साथ। तो इवन रिएक्शन जो है वो टर्शरी एल्किल हैलाइड्स देंगे, और E2 रिएक्शन जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स जो है वो देते हैं। तो ये था इवन रिएक्शंस और उसकी मैकेनिज्म। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।